22 दिसंबर पिछले 24 घंटा में उड़ीसा का सभी जगह में ड्राई व सूखा वेदर ही था। मॉर्निंग में फॉग रिपोर्ट हुआ है कुछ कुछ स्थानों पर, मेनली सुंदरगढ़, कंधमाल, जगत सिंहपुर, झारसुगुदा, केन्दुझर, कोरापुट, ये सब जिला में मिनिमम टेम्परेचर प्लेन्स एरिया में लोअर साइड जो था फुलवानी 10.5 डिग्री सेल्सियस, आज सुबह केरी 10.7, ये एग्रीमेट फील्ड यूनिट है, भवानीपटना, नवरंगपुर 11.0, बोध, नवापारा 12.0 डिग्री सेल्सियस। हिल स्टेशन का अंदर में लोअर साइड टेम्परेचर आज मिनिमम जो था कोरापुट में 7.4 डिग्री सेल्सियस, जी उदयगिरी एग्रीमेट फील्ड यूनिट है 7.8 डिग्री सेल्सियस, दारिंगबारी 9.5 डिग्री सेल्सियस, सिमलीगुड़ा 9.6 डिग्री सेल्सियस। अभी भुवनेश्वर सिटी में आज सुबह हमारा मिनिमम टेम्परेचर हुआ है 17.0 डिग्री सेल्सियस, ये स्वाभाविक से 2.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। अभी मोस्ट ऑफ द स्टेशन में स्वाभाविक से स्लाइटली टेम्परेचर ज्यादा है, कुछ कुछ स्थानों पर 2 से 4 डिग्री तक ज्यादा था। फोरकास्ट अभी हमारा अगला 7 दिन का जो है, अगला 7 दिन ही सभी जगह में उड़ीसा में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। शैलो टू मॉडरेट फॉग कुछ कुछ स्थानों पर होने का चांसेस है। नेक्स्ट 24 आवर्स में डेंस फॉग का आइसोलेटेड पॉकेट्स में होने का चांसेस है। साउथ कोस्टल उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सुंदरगढ़, केन्दुझर, अनुगुल, ढेंकनाल, कटक, जगत सिंहपुर, कंधमाल, कालाहांडी, रायगढ़, कोरापुट, ये सब जिले के अंदर में मिनिमम टेम्परेचर व नाइट टेम्परेचर में अभी सिग्निफिकेंट चेंज होने का चांसेस नहीं है अगला 5 दिन में, और मेनी प्लेसेस में स्वाभाविक से 2 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में मेनली क्लियर स्काई ही रहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर 29 के आसपास आज रहने का चांसेस है, और मिनिमम टेम्परेचर कल 17 के आसपास, उसके बाद 16-17 का अंदर भी रहने का चांसेस है। सुबह टाइम शैलो फॉग भी कुछ कुछ एरिया में हो सकता है।